मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स का कहना है कि आप अपने बालों में जो लगाते हैं वो हमें सही से नहीं बताते हैं कि आप अपने बालों में आखिर लगाते क्या हैं। नहीं, आपके बाल तो गॉड गिफ्टेड है, कोई भी टोनर, कोई भी रेमेडी, कोई भी ऑयल इतना मैजिक तो कर ही नहीं सकता है। आपके बाल जेनेटिक है या फिर आपने अपने बालों को बचपन में ही बढ़ाना शुरू कर दिया होगा, तब जाके आपके बाल इतने लंबे हैं। तो जो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर दूंगी। मैं आप लोगों को होनेस्टली तरीके से जो प्रोडक्ट्स मैं अपने बालों में यूज करती हूँ वो सारे आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे बाल जेनेटिक बिल्कुल नहीं है। मेरे 2-3 पीढ़ियों को अगर मैं उठा के देखूँ, लोगों से अगर मैं बात करके देखूँ, तो किसी के भी बाल इतने लंबे नहीं थे। मेरी खुद की मम्मा के बाल इतने लंबे नहीं थे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है या फिर मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ग्रोथ अच्छी कैसे हुई? रेमेडी लगाती आ रही हूँ मैं बचपन से, और जब भी हम कोई नेचुरल चीज़ लगाते हैं, माना कि वो लेट से रिजल्ट देती है, लेकिन जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, यानी कि उसका रिजल्ट आपको पूरी उम्र मिलता रहता है। सेकंड, कि मैंने कभी भी अपने बालों को बचपन से बढ़ाना शुरू नहीं किया है। आप मेरी पिक्स को देख सकते हैं, मैं बहुत बार आप लोगों के साथ अपनी पिक्स शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोज में, कि मेरी बॉय कट हुआ करती थी। बहुत लेट मैंने अपने बालों को लंबा करना शुरू किया। मान के चलिए कि टच वुड की इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि अगर मैं हर महीने इनको कट करती रहूँ ना, तो ये महीने में 4 से 5 इंच अपने आप बढ़ ही जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ मैं क्या क्या यूज करती हूँ। तो सबसे पहले हम कॉम से स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक वुडन का कॉम है और एक प्लास्टिक का कॉम है। इन दोनों कॉम को मैं यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को टेंगल फ्री बनाने के लिए जो ये वुडन का है, जो ये नीम की लकड़ी का कॉम है, इसका मैं यूज। नीम की लकड़ी का ही कॉम क्यों लिया है? क्योंकि बालों से डैंड्रफ को निकालता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जो भी डर्ट पोल्यूशन आती है, जो बैक्टीरिया आते हैं उनको, मतलब ये जो कॉम है नीम का बना हुआ, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है, यानी फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो टेंगल फ्री बनाने के लिए मैं अपने इस कॉम का यूज करती हूँ। देन मैं इस कॉम का यूज करती हूँ। इसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, प्लास्टिक का कॉम है और ब्रिसल बहुत छोटे छोटे हैं। ये क्या करता है, जब मैं कॉम करने बैठती हूँ, सुलझाए इसके साथ, और इसके साथ मैंने 50 टाइम अपने बालों पे स्कैल्प पे इसको चलाया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होगा, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। जिन लड़कियों को टोनर, रेमेडी वगैरह लगाना पसंद नहीं है, तो वो इस मेथड के साथ जा सकते हैं कि एक पतला ब्रिसल वाला कॉम लेना है, और अपने स्कैल्प पे जब भी आप कॉम करते हैं दिन में 1-2 बार, तो आपको ये जो प्रैक्टिस है ये करनी होती है। तो ये नीम का कॉम है, ये प्लास्टिक वाला कॉम है, इसको भी यूज करती हूँ, इसको भी यूज करती हूँ। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टोटली आपकी चॉइस है। तो ये वाले कॉम ध्यान से देख लीजिए, ये वाले 2 कॉम मैं अपने बालों के लिए यूज करती हूँ। बात करते हैं ऑयल की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेमेडीज, टोनर वगैरह, पैक वगैरह नहीं लगाते, जो सिर्फ ऑयल ही लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन रो कोकोनट ऑयल, आप सबको पता है, मैं यूज करती हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर बहुत सारी ऐसी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, आपके बालों को काला बना के रखता है, आपके बालों को लंबा बनाता है। बहुत ही नॉन ग्रीसी, नॉन स्टिकी ऑयल होता है, बहुत बेसिक सा ऑयल है, बहुत ही अच्छा ऑयल है, और ये ऑयल बहुत अच्छे से आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपके बालों में नमी, मॉइस्चर को लॉक करता है, जिससे आपको जो बालों की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। साथ ही साथ मैं कुछ एसेंशियल ऑयल भी यूज करती हूँ, जिसमें मेरे पास 6 एसेंशियल ऑयल हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है, या फिर एवोकाडो है, या फिर टी ट्री है, जो भी है मेरे पास, इन सभी 6 एसेंशियल ऑयल का यूज मैं अपने ऑयल में करती हूँ। जैसे कि जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ, मैंने कोकोनट ऑयल लिया, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डाले, उसको अच्छी सी चंपी करी अपने बालों पे, देन मैं उसको पूरी रात भर के लिए या फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, और मैं शैम्पू कर देती हूँ। या फिर कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं बहुत सारी रेमेडीज आप लोगों को देती हूँ, रेमेडीज भी मैं लगाती हूँ। सबसे मोस्ट फेवरेट रेमेडी है मेरी एलोवेरा जेल वाली, जितनी भी एलोवेरा जेल वाली रेमेडीज है मेरी सारी की सारी फेवरेट है। मैं कभी कभी होममेड, हमारे जो ऑयल में जो आप लोगों को देती हूँ, तो मैं होममेड ऑयल को भी अपने बालों पर लगा लेती हूँ। तो ये था मेरा ऑयल जो मैंने आप लोगों के साथ, मतलब जो बेसिक ऑयल है, जो मेरा फेवरेट ऑयल है, वो है कोकोनट ऑयल, जिसको मैं हमेशा लगाना पसंद करती हूँ। आप भी इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, एसेंशियल ऑयल को ले सकते हैं, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो हमारा कॉम हो गया, हमारा ऑयल हो गया, अब हम बात करते हैं हमारे शैम्पू की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सबको पता है, अगर आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं तो सबको पता है कि मैं पिंक सनसिल्क वाला शैम्पू यूज करती हूँ। माना कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं, मैं इसको लगभग बचपन से ही यूज करती आ रही हूँ, इस वाले शैम्पू को, पिंक वाले को। ये बहुत सारे और कलर में आता है, जैसे कि ब्लैक कलर में आता है, ग्रीन कलर में आता है, अब तो बहुत सारे कलर इसके आ गए, लेकिन मैंने कोई भी ट्राई नहीं किया, सिर्फ ब्लैक और ये पिंक वाला, और मोस्ट फेवरेट है मेरा पिंक वाला। कभी कभी
मैं ममा अर्थ का भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो ममा अर्थ का शैम्पू है ओनियन शैम्पू, ये मुझे बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि ये आपके बालों को ब्लैक बनाता है। जब आप इसका एक बार यूज कर लेते हैं ना, तो एक ही बार में हल्का सा ब्लैक स्टिंट आपके बालों में छोड़ के जाता है, तो ये भी मेरा फेवरेट शैम्पू बन चुका है। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे मैं यूज करती हूँ वो है पिंक सन सिल्क शैम्पू। और जैसे कि बोलते हैं कि केमिकल एक उम्र के बाद साइड इफेक्ट देने शुरू कर देते हैं, जैसे ही मैंने मतलब कि बचपन में अपने बालों को लंबा करना शुरू किया था ना, तो मैंने देखा कि शैम्पू से मेरे बालों में थिकनेस आई है और मेरे बाल इतने स्पीडली ग्रो हुए हैं, मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे बाल इतने लंबे बन जाएंगे। और इसका सारा श्रेय मैं देती हूँ या तो एलोवेरा जेल को और या फिर इस पिंक सन सिल्क शैम्पू को या फिर मैं अपनी केयर को। ओके, तो तीन चीज़ें, आपकी अपनी केयर, आपका शैम्पू और आपकी रेमेडी आपके बालों को मनचाहा रिजल्ट्स दे सकती हैं, अगर आप उनको इत्मीनान के साथ अच्छे से लगाते हैं तो। ओके, तो ममा अर्थ का जो ये शैम्पू है, ये भी बहुत ही शैम्पू है, इंस्टेंट अच्छा शैम्पू है, इंस्टेंटली आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और एक शैम्पू और है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मतलब टोटली मेरे तीन फेवरेट शैम्पू है, ये है बायोटिक का बायो प्रोटीन शैम्पू। ये स्पेशली आपके हेयर फॉल को रोकता है और आपके बालों को मोटा और घना बनाने का काम करता है। तीन शैम्पू ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, मैं इनको चेंज कर करके मैं इनका यूज करती रहती हूँ। ओके, कॉम की बात हो गई है, ऑयल की बात हो गई है, शैम्पू की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं हमारे श्रम की। श्रम को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बिना श्रम के तो आपका हेयर केयर जो रूटीन है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि बिना श्रम के आपके बाल टेंगल फ्री नहीं बनते। अगर आप बिना श्रम के अपने बालों को सुलझाएंगे तो वो बीच में से टूट जाएंगे और आपके बाल लंबे नहीं बन पाएंगे। तो मैं यहाँ पे खादी ब्रांड का ये वाला हेयर सीरम यूज करती हूँ, जो आपके बालों को टैंगल फ्री बनाता है, आपके बालों से फ्रिज कंट्रोल करता है, आपके बालों में अगर डैमेज आ गया है तो उससे आपके बालों को अच्छा बनाता है। अच्छी बात यह है कि इस शैम्पू को आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है, इंस्टेंट आपके बालों में शाइन आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको इसे अपने गीले हल्के हल्के बालों पर लगाना होता है, बस आपको सुखाना होता है, और जैसे आप कॉम करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके बाल आपको इतने शाइनी दिखेंगे, इतने सॉफ्ट दिखेंगे, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे अगर फ्रिज आ जाता है हेयर वॉश करने के बाद। तो ये जो सीरम है ये बहुत ही अच्छा है और आपके बजट में भी है, तो ये सीरम मैं हमेशा यूज करती हूँ। अगर मैं लिवोन वाला लगा लेती हूँ ना, तो वो एक दिन के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा ड्राई कर देता है मेरे बालों को। हो सकता है कि आपके बालों को वो सूट करे, क्योंकि मैं उसको भी एक बार ट्राई करके देख चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे एक शायद सिट्रिक्स कुछ ऐसा ब्रांड है, उसका भी मैं यूज कर चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छा सीरम था, लेकिन फिलहाल मैं ये वाला जो खादी वाला है इसको यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल है। तो ये था मेरा सारा हेयर केयर रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और हाँ, वीक में मैं केवल दो बार, अगर मैक्सिमम हो जाता है तो मैं तीन बार अपना हेयर वॉश करती हूँ, इससे ज़्यादा हेयर वॉश मैं नहीं करती हूँ। ओके, और हाँ, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या आपको कभी हेयर फॉल नहीं होता है, मुझे भी हेयर फॉल होता है, लेकिन जब मुझे हेयर फॉल होता है तो मैं इंस्टेंटली उसको रोकने की कोशिश करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि कौन सी रेमेडी मुझे लगानी चाहिए, कौन सी ऐसी रेमेडी है जो मेरे हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोक सकती है। तो यहाँ ये था मेरा सिंपल सा हेयर केयर रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करूंगी कि पसंद जरूर आया होगा, और ये वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।